तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी हम दिखाते हैं आपको राममन से तो हमने दिखा दिया मिहाड़ वाले एरिया तक। अब हम दिखाते हैं आपको मिहाड़ वाले एरिया से 4 लेन का अपडेट। तो मिहाड़ वाले एरिया से हम कहाँ तक दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं ढलवास पीड़ा वाली साइड तक। तो चलते हैं अभी हम पीड़ा वाले टनल की तरफ। तो ये देख सकते हैं, ये है रोड की हालत। बाकी ट्रक्स वालों का अपडेट यही है कि ट्रक्स तो अभी फ़िलहाल कभी भी चल सकते हैं और चल भी रहे हैं। चाहे आप सुबह जाना चाहें, दिन को जाना चाहें, शाम को जाना चाहें, तो कभी भी चल सकते हैं। पहले ये सीन होता था कि पहले ट्रक्स को शाम को ही छोड़ा जाता था, दिन के बाद छोड़ा जाता था, बट अब ट्रक्स वाले कभी भी चल सकते हैं जब उनका मन करे और कहीं भी रुक सकते हैं जहाँ उनका मन करे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये सब कब हुआ? ये सब अमरनाथ यात्रा के बाद हुआ। और पहले होता था जब एक दिन में ना एक साइड की ट्रक छोड़े जाते थे, एक साइड की कॉन्वाई होती थी ट्रक्स की, हैवी मोटर व्हीकल्स की, या तो वो जम्मू से श्रीनगर मतलब उधमपुर से काजीकुंड के लिए छोड़े जाएंगे या तो काजीकुंड से उधमपुर के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं और जहाँ मन कर रहे हैं यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी जगह है रुकने के लिए, क्योंकि ट्रक लगाने के लिए भी अच्छी जगह है यहाँ पर, और साथ में वाइन शॉप भी है, तो और भी अच्छी बात है ट्रक्स के लिए। देख सकते हैं ये भाई भी रुक गए यहाँ पर। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, अब आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जो जसवाल ब्रिज, जिसको हम पहले अपडेट देते थे बट वो कब का ओपन हो चुका है। तभी हम पहुंच चुके हैं करोल वाले एरिया में। ये करोल की छोटी सी मार्केट आ जाती है, यहाँ से ऊपर डिग्री कॉलेज का रोड जाता है। यहाँ पे इन्हें क्या किया है, रोड बंद है क्या? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला रोड बंद कर दिया, क्यों किया अब मेरे को तो ये नहीं पता। अब हमको नीचे वाले रोड से जाना पड़ेगा, मतलब कि रॉन्ग लेन से, क्योंकि ऊपर वाली लेन बंद है इसीलिए। तो जब भी आप इस हाईवे पे चल रहे हो तो एक बात आपको बता दूँ, जब भी आप अपनी लेन में भी चल रहे हो ना, तब भी मोड़ों पर ओवरटेक ना करें, क्योंकि मोड़ों पर रॉन्ग साइड से व्हीकल्स आ जाते हैं। ऐसे ही बीच बीच में रोड बंद कर दिया गया होता है, तो लोग जो बाहर के टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको लगता है कि 4 लेन है, वो 4 लेन के हिसाब से चलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, दूसरी साइड से व्हीकल आ जाती है। तो ये देख सकते हैं जो नया वाला जसवाल ब्रिज बना था, इसका काम चल रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो लुक डाली थी उसका काम भी तमाम हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये नया वाला जसवाल ब्रिज, इसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन में भी फिर से काम हो रहा है, तो इसलिए रोड भी वहाँ पे बंद कर दी गई थी। ये देख सकते हैं, तो ये साथ में नया वाला जा रहा है, और ये पुराना वाला जसवाल ब्रिज है जिसको फिर से रिपेयर करके इतना अच्छा बना दिया गया, कहने की बात नहीं है। तो यहाँ से राइट साइड से जाती है रोड मैत्रा के लिए, रामबन के लिए। तो जो जितना गंदा वाला पोर्शन आपको मैंने पहले दिखाया था ना, अगर आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो इस नीचे मैत्रा वाले रोड से जा सकते हैं। तो आगे हमको नाका भी देखने को मिलेगा ट्रैफिक पुलिस का, ये देख सकते हैं। और यहाँ से हम अपनी लेन में हो जाएंगे, इंडिकेटर दे देते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पे नाका भी लगा हुआ है ट्रैफिक वालों का, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट रखें। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपनी लेन में, जैसे कि ये लेन आ गई ना ऊपर वाली, वो लेन आ गई, तो इस लेन में भी कभी भी आगे से गाड़ी आ सकती है, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो बाकी रोड देख सकते हो जितना ये मिहाड़ करोल से हो बन चुका है ना, कहाँ तक चंदरकोट कुनफर तक, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तो 4 लेन का काम हो चुका है। खाली बीच में कभी कभी ऊपर वाली साइड में पत्थर आते हैं तो उसका साफ़ सफाई का काम चलता है। बाकी ये देख सकते हैं गाइस, ये है अपना 4 लेन, बढ़िया बन चुका है।
तो अभी कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे चंद्रकोट वाले एरिया में। तो अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे चंद्रकोट से, मतलब सॉरी मिहाड़ से दिखा रहे हैं हम आपको। अभी क्रोल वाला एरिया दिखाया आपको, वो हम दिखाएंगे आपको फिर चंद्रकोट वाला और फिर पीड़ा वाला एरिया। तो जितने भी भाई दूसरी स्टेट से देख रहे हैं तो उनको वो ख़तरनाक वाला रोड देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगता होगा। तो मैं बता दूँ सिर्फ ख़तरनाक रोड नहीं, अच्छा वाला रोड भी है, जैसे कि ये देख सकते हैं तो रोड काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट भी है। बट हैरानगी की बात ये है कि जैसे कि आपने USBRL वाली पहले वाली मेरी वीडियोज़ देखी, वो वाला काम तैयार हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर पूरी की पूरी ट्रेन चल पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर के मिड नेक्स्ट ईयर एंडिंग, नेक्स्ट ईयर की एंडिंग तक तो पूरी ट्रेन चल पड़ेगी दिल्ली टू श्रीनगर। बट नेक्स्ट ईयर ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो अभी 4 लेन पूरा का पूरा रेडी नहीं होगा उधमपुर से लेके बनिहाल तक, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी भी है। और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा काम हुआ भी है, काफ़ी अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये 4 लेन है ना, जो चंद्रकोट एरिया वाली जितनी मार्केट थी वो भी बाईपास कर देता है, क्योंकि 4 लेन जो है ऊपर वाली साइड से जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो चंद्रकोट के मैक्सिमम घर वगैरह नीचे ही और मैक्सिमम मार्केट नीचे ही रहती है। अब जो है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी बन रही है, क्योंकि 4 लेन है मेन हाईवे जो ऊपर से जा रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो 4 लेन का काम बढ़िया हो चुका है और ये काफ़ी पहले से रेडी है। जब अमरनाथ यात्रा हुई थी इस साल वाली, तो ये तब से रेडी है, खाली बीच बीच में कुछ पोर्शन आ जाते हैं जहाँ पे काम बाकी है। ये देख सकते हैं कुछ कुछ जगहें, बाकी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला है नहीं। और गाइस इस मोड़ के बाद आने वाला है सीधा अब टनल आने वाला है, जो कि रहने वाला पीड़ा कन्फर वाला टनल। तो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाना है टनल, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे चंद्रकोट कन्फर पीड़ा वाला टनल।